जबलपुर आधारताल पुलिस ने कुछ दिन पूर्व कंचनपुर शारदा कॉलोनी निवासी रिटायर्ड फैक्ट्री कर्मी 65 वर्षीय रामदास की हत्या का खुलासा 72 घंटे के अंदर कर दिया है। पुलिस ने बताया कि संजू महतो 19 ने अपने नाबालिग दोस्त के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक संजू महतो गाड़ी धोने का काम करता है। संजू महतो के मृतक से 4-5 साल से पहचान थी। मृतक की कुछ दिन पहले संजू महतो से कुछ बात को लेकर दुकान पर हाथापाई हो गई थी एवं मृतक द्वारा अप्राकृतिक संबंध बनाने के लिए संजू महतो पर दबाव बना रहा था। इसके चलते संजू महतो ने अपने नाबालिग साथी के साथ मिलकर लोअर किनारे से वृद्ध की गला घोटकर हत्या कर दी। पुलिस ने अपराधियों से 2 मोबाइल और घटना में उपयोग की गई मोटरसाइकिल जब्त की है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि आधारताल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीबन 48 घंटे के अंदर 48 से 72 घंटे के अंदर जो अंधी हत्या आधारताल थाना क्षेत्र में जो हुई थी, एक रिटायर्ड 65 वर्षीय जो फैक्ट्री कर्मी थी जो थे उनकी जो हत्या हुई थी उसका पर्दाफाश हो गया है। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें संजू महतो करके 19 वर्षीय एक व्यक्ति हैं, साथ ही साथ उनका साथ दिया था उन्हीं के एक मित्र हैं, वो 17.5 वर्ष अपचारी हैं। इन दोनों का इस हत्या में इन्वॉल्वमेंट रहा है, दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। कुल मिला के कहानी ये रही है कि अप्राकृतिक जो संबंध है वो इस हत्या के पीछे जो है वो कारण रहे हैं। जो संजू महतो है ये पिछले 4-5 साल से जो मृतक हैं उनसे पहचान में थे। ये पनेरा पेट्रोल पंप के पास ये अपने गाड़ी धोने का काम करते थे, तो वहाँ मृतक का भी आना जाना था, वो फिर इनका आना जाना बंद रहा। जैसा कि पूछताछ में अभी तक बताया, इनके कुछ संबंध भी पहले बने हैं इस प्रकार के। फिर घटना दिनांक को जब ये वहाँ गए हैं तो कुछ इनमें अनबन हुई है, अनबन को लेकर झुमा झटकी हुई, और फिर जो आरोपी है संजू महतो उन्होंने ये घटना कारित कर दी। नहीं, अभी फिलहाल पैसों का लेन देन का नहीं है। इसमें जो आप जो मोबाइल की बात कर रहे हैं, जो 2 मोबाइल गए थे वो भी इनसे बरामद हो गए हैं, और मोटरसाइकिल से जो आए थे वो भी बरामद हुए।